हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री ज्ञान चैनल टॉपिक इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट इज फ्रॉम ग्रेड टेन ओके कार्बन कार्बन की क्या खास बात होती है सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलिमेंट्स की एलिमेंट्स के अंदर हमने एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रेड नाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन का अटोमिक नंबर इज़ कार्बन इज ए नॉन मेटल हैविंग अटॉमिक नंबर सिक्स सिक्स मतलब टू फोर अगर आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई फोर तो अभी आपको याद करने वाली बात क्या है दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फोर बहुत काम आने वाली चीज है बिकॉज इसी से हम एक प्रॉपर्टी निकालेंगे दैट कार्बन इज टेट्रा वैलेंट इन नेचर अगर एक कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है उसके पास चार हैं आउटर मोस्ट में तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फोर इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट टेट्रावेलेंट नेचर कार्बन इन नेचर इन ईदर फ्री फॉर्म और कंबाइंड स्टेट एज वेल अब क्या उसके अंदर क्या खास वर्सिटाइल नेचर या वॉट आर यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन सबसे पहली बात दैट इट इज इन नेचर एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज़ शोइंग कैटिनेशन नाउ वॉट इज कैटिनेशन वो बात मैं आपको बताऊँगी कि कार्बन के अंदर बेसिकली कार्बन इज शोइंग टू प्रॉपर्टीज दैट इट इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर टेट्रावेलेंट मतलब कि इसकी अगर इसको इन, इसकी वैलेंसी जो है कार्बन की द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर तो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए दैट ही इट इट हैज टू गेन या फिर इसको चार इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है लेकिन ये ना तो गेन करेगा ना चार इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा इसकी खास बात है दैट इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये लूज नहीं कर रहा है गेन नहीं कर रहा क्योंकि अगर तीन इलेक्ट्रॉन तक होता है तो वो लूज कर देता है और पाँच के बाद क्या होता है गेनिंग टेंडेंसी शुरू होती है तो फोर वाले केस में क्या हम बात करेंगे बिकॉज इट इज कोवेलेंट इन नेचर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म दैट इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स इट नीदर लूजेज इट्स फॉर इलेक्ट्रॉन बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी कॉन्सिड्रेशन और नीदर इट गेंस फोर इलेक्ट्रॉन्स द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज दैट इट इज शोइंग कैटिनेशन वॉट इज कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन आइटम्स कार्बन आइटम आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करी दैट इज लॉन्ग चेन्स आपको याद करने वाली बात क्या है लॉन्ग चेन्स ही फोर चेन्स ही फॉर कैटिनेशन सो कार्बन इज बेसिकली हैविंग यूनिक फीचर्स दैट देर दैट इज टेट्रावलेंट इन नेचर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा

सबको पता है डायमंड गर्ल्स को स्पेशली पता होता है डायमंड के बारे में ग्रेफाइट एंड एंड द थर्ड वन इज बक मिस्टर दिस दीज आर थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ फुलरेन So they, these are the three uh, allotropes of carbon. The various forms in which an element can exist is known as allotropes. I am using a word. Use kar what is an allotrope? Allotropes means the various physical forms in which an element can exist is known as allotropes of carbon: diamond, graphite, and buckminster fullerene. नाउ इन डिस्कस द क्या बेसिकली इन दोनों में फर्क आ जाता है जिसकी वजह से नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बड़े ध्यान से समझेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हर कार्बन एटम चार कार्बन से जुड़ा हुआ है चलिए इसी इसी को ले लेते हैं इस कार्बन को ये एक कार्बन है न एक दो तीन चार तो ईच कार्बन ऐटम इज ज्वाइंट विद फोर कार्बन एटम्स तो वैलेंसी पूरी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा दैट इज वाई इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट है रिजिड स्ट्रक्चर है दैट इज वाय डायमंड इज वेरी हार्ड स्ट्रक्चर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई दैट यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डायमंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस

that what are the uses of diamond uh, and on burning it forms co2 only and nothing is left behind okay what is the what are the uses of diamond girls ko that in making jewelry used by eye surgeons as a tool to remove the cataract of the eye this is also the use of diamond okay in cutting instrument because it is a very hard structure it is a very इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई ना विल टॉक अबाउट ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है फ्लैट लेयर है जिसके अंदर हर कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक बच गया एक बचने की वजह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ग्रेफाइट दे फोर इट कैन कंडक्ट electricity. So, now what is the basic difference between diamond and graphite? Diamond is a non-conductor of electricity whereas graphite is a conductor of electricity. Or these layers, hai, this, this is a structure of graphite, they are held together by weak Waals forces due to which these sheets can स्लाइड ओवर वन another and एंड can कैन इजिली बी ब्रोकन सबको पता है ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट पेंसिल लेड में प्रेजेंट है इट कैन इजिली बी ब्रोकन जबकि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इवन इट इज यूज फॉर इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग इन यूज बाई अर्थ सर्जियंस एज अ टूल टू रिमूव द कैटेट अभी ग्रेफाइट का यूज क्या है पेंसिल लेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट बच्चों को तो काम आते ही है एंड इट इज सॉफ्ट इट इज यूज एज अ पाउडर्ड लुब्रिकेन एंड जो आपने इलेक्ट्रॉड्स देखे हैं आपको याद हो तो हम दो इलेक्ट्रॉड्स लगाए थे हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या था केमिकल एंड में दो इलेक्ट्रॉन लगाए थे इलेक्ट्रोलिस में तो वो किसके बने रहते हैं ग्रेफाइट या आप कह सकते हो कि कार्बन के रहते हैं इलेक्ट्रॉड्स इन ड्राई सेल्स ओके सो दिस इज अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड द दर्ड एलोट्रॉप बकमिंस्टो फुलरेन आपको बस याद करने वाली बात है कि दैट इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल इसके अंदर एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनेगा और कार्बन कितने हैं इसके अंदर साठ कार्बन की चेन बनी देन इट विल फॉर्म अ बकमिंस्ट फुलरेन एंड ऑन बर्निंग इट फॉर्म्स यो टू ओनली इट इज नीद अ वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट तो इन दोनों के बीच का एक हो गया दैट इज बक मिस्टर फुलरेन एक बॉल जैसा रहता है सिक्सटी कार्बन का है डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे एंड इट फॉर्म्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन बर्निंग इट फॉर्म्स यो टू ओ ओनली If you find this video helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.